ब्लॉगर, तो आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना हाल चाल जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, मेरा गोदरेज जो है, जिसे अलमीरा बोलते हैं, वो खुला हुआ है। और यह वीडियो फिर से थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, इसके साथ कंटिन्यू रहिए। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें क्या यूनिक होने वाला और क्या मैं आप लोग को दिखाने वाली। सबसे पहले तो आइए मैं बताती हूँ कि मेरा गोदरेज अंदर से देखने में कैसा है और उसमें क्या चेंजिंग होगा और उसमें क्या क्या करना है और इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगी। हाँ, मैं पहले ऊपर से नीचे तक टोटल दिखा देती हूँ। यह मैंने अपने पसंद से बनवाया था, मुझे जैसा चाहिए था वैसा। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाले रैक में, इसमें टॉप, टी शर्ट, शर्ट वगैरह जो भी होता है, इसे हैंग करके रखी हुई हूँ। इसके नीचे मेरी छोटी वाली सिस्टर का लहंगा है और इधर गाउन, फ्रॉक सूट, कुछ भी अगड़म बगड़म जो कम यूज होता है, टॉप स्कर्ट, क्रॉप टॉप, वो सब वगैरह है। इधर सारा डीओ है, इधर सारा डीओ है, बहुत सारा है जो हम लोग कम यूज़ करते हैं उस इस खटाल में। इस तरीके का खटाल है दोनों साइड, तो इसमें एडजस्ट की हुई हूँ। और जो रेगुलर यूज होता है वो ड्रेसिंग मिरर। ये लॉकर है और इसके ऊपर बैंगल है, मैं जस्ट ऐसे ही रख दी हूँ, जो यूज कम यूज होता है। और यह लहंगा, यह मैंने झटकी से बाय किया था, तो मैं इसे अभी स्टिच नहीं करवाई हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अगड़म बगड़म जो भी हुआ है। और ये सारा बैग है जो मैं एजियो से परचेज़ की थी। अगर यह लहंगा का आप वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिएगा, लहंगा सही में बहुत सुंदर है, आप अभी भी देख सकते हैं। सही में बहुत अच्छा अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत अच्छा लहंगा मिल जाता है। फिर इसके नीचे वाले सेक्शन में जब आते हैं तो इसमें सारा जींस है, उधर मेरा बीच, इधर मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर का, इधर मेरी छोटी वाली सिस्टर का, तीनों बहन का अपना अपना से है। और उसके बाद इधर ओढ़नी, ओढ़नी वगैरह, पैंट वंट, प्लाजो वगैरह वगैरह है। और यह जो भी नीचे का जो भी पोर्सन है, इधर लॉन्ग सूट है और सारा अंदर में कुर्ता सूट और इधर चूड़ीदार पैजामा यही सब रखा हुआ। और यह नीचे वाला सेक्शन है, इसमें जूता उता कुछ भी रखा हुआ। तो इसको आज मैं कम्प्लीटली साफ़ करूँगी। और उसके बाद साफ़ करने का मेरा मेन मुद्दा यही है कि इसमें जो भी यूज़ करने का सामान नहीं है उसे मैं निकाल के डोनेट कर दूँगी, और जो यूज़ करने का सामान है वो ऐसे ही लगा रहेगा। जो हम लोग यूज नहीं करते हैं उसे निकाल के हटा देना है, उसे किसी को देते हैं। तो आइए मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताती हूँ कंटिन्यू काम करने के साथ। हाय, करती हूँ वीडियो स्टार्ट। और जो भी ड्रेस मेरे पास यूज़ का नहीं है उसे साइड करती हूँ, साइड बाय साइड। और आप लोग को दिखाऊंगी मैं कौन कौन सा ड्रेस साइड की हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी अभी ड्रेस बाय कर रही हूँ उसे भी रखने का जगह नहीं है। और इसे क्लीन करूँगी, अगर इसके इसमें एडजस्ट नहीं होता है तो मैं दूसरा अलमीरा या दूसरा गोदरेज बाय करूँगी, क्योंकि ज़रूरी है पहले इसे क्लीन करके इसमें देखती हूँ कि इसमें जगह है या नहीं है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो 2x 3x के स्पीड में जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाइएगा कभी कभी। वो 2x 3x वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा फील होता है काश मैं इतने स्पीड कम करती, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। आज मैं फ्री थी, मैं सोची क्यों ना यह वीडियो शूट किया जाए और इसे क्लीन किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद यह क्लीन हो रहा है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। और गर्मी से मेरा हाल हो चुका है बुरा। मैं फैन ऑन करूँगी और वीडियो स्टार्ट करूँगी।
बनाने का उद्देश्य था या जो भी उसको क्लीनिंग करने का उद्देश्य था, मैं क्लियर आप लोग को साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, मे बी मेरे से कोई भी इंस्पायर हुए हों और उनको दिल करे ऐसा करने का तो कर सकते हैं। मेरा सोप करने का कोई भी ऐसा माइंड नहीं था। अगर आपको नहीं पसंद आता तो मत सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट अगर आपको पसंद आता तो आप ऐसा कीजिए, आपके आसपास में जो भी गरीब उरीब हैं आपको जहाँ तक हो सकता है आप कीजिए। और ड्रेस व्रेस तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो साइड होते रहता है, और जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वही तो देना। अगर जो आपको पसंद आता है वो अगर आपको यूज़ करने का दिल हो तो वो घर में यूज कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इसका पार्ट टू भी आएगा, आप लोग प्लीज़ उससे भी ज़रूर देखिएगा। भले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कीजिएगा, बट
जो भी वीडियो बनाने का उद्देश्य था या जो भी उसको क्लीनिंग करने का उद्देश्य था, मैं क्लियर आप लोग को साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, मे बी मेरे से कोई भी इंस्पायर हुए हों और उनको दिल करे ऐसा करने का तो कर सकते हैं। मेरा शॉप करने का कोई भी ऐसा माइंड नहीं था। अगर आपको नहीं पसंद आता तो मत सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं कीजिएगा, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट अगर आपको पसंद आता तो आप ऐसा कीजिए, आपके आसपास में जो भी गरीब उरीब हैं आपको जहाँ तक हो सकता है आप कीजिए। और ड्रेस व्रेस तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो साइड होते रहता है, और जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वही तो देना। अगर जो आपको पसंद आता है वो अगर आपको यूज़ करने का दिल हो तो वो घर में यूज़ कर सकते हैं। तो मिलती है आप लोग।